नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करें, होटल इंडस्ट्री की बात करें, तमाम सारे फ़ायदे नुकसान यहाँ पर देखे जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे प्रोडक्ट लेकर आते हैं जो हमेशा लोगों को फ़ायदे पहुँचाने की बात करते हैं। पिछले कुछ दिनों उदयपुर जाने का जब मौका लगा तो वहाँ अनंता रिसोर्ट में ठहरने का अवसर मिला, तो वहाँ के सिस्टम, वहाँ के काम को देखकर लगा कि निश्चित तौर पर इस तरह से प्रयास किए जाते रहना चाहिए। और आज एकाएक वहाँ के तरुण सक्सेना जी से मुलाकात हुई, वो अपना एक नया प्रोडक्ट यहाँ इरवा के तहत लॉन्च करने इंदौर आए हैं, तो उनसे मुलाकात की और जाना कि नया प्रोडक्ट क्या लेकर आ रहे हैं। तो बहरहाल तरुण जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपका ये जो ग्रुप है अनंता ग्रुप, इसके बारे में थोड़ा सा ज़रूर बताइए। बिल्कुल साहब। सर देखिए, क्या है, ये हमारी मुकुंद गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं। हम लोग जयपुर से हैं। हमारे जो बॉसेस हैं मिस्टर मुकुंद गोयल जी और संजय गोयल जी हैं, उन्हीं के तहत ये जितने भी रिजॉर्ट्स हैं, करीबन पिछले 12 साल से हम लोग रिजॉर्ट लाइन में हैं। हमने अनंता पुष्कर, अनंता उदयपुर और इसी तरह से कई सारे और रिजॉर्ट जो हैं लेकर आ रहे हैं, ज़्यादातर राजस्थान के अंदर। मैं जो अभी इंदौर में इरवा के साथ मिल के एक हमारा शिरडी के अंदर प्रोजेक्ट आ रहा है, साईं बाबा जहाँ रहते हैं बेसिकली, तो वहाँ पर हम एक 203 कमरे का अनंता शिरडी लेकर आ रहे हैं। इसीलिए उसके बारे में जानकारी देने के लिए मैं यहाँ इंदौर शहर आया हूँ। और यहाँ के जितने भी ऐसे लोग हैं जो रिजॉर्ट्स में जाना पसंद करते हैं, एंजॉय करना पसंद करते हैं, या इस तरह की इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं जहाँ से उनको एक हैसल फ्री इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिले, वो रिटर्न का इसमें कॉन्सेप्ट लेकर हम लोग यहाँ पर आए हैं। शिरडी क्यों चुना आपने? देखिए, अनंता का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली हम जितने भी रिजॉर्ट बनाते हैं वो तीन चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। सबसे पहले वहाँ पहाड़ हो, पानी हो और एक सबसे बड़ा मंदिर हो। तो हमारा लक्ष्य है कि हम जितने भी इंडिया में मेन मेन मुख्य मुख्य मंदिर हैं, उन सभी मंदिरों पे हम लोग अपना रिजॉर्ट बनाएं। और उसी के तहत शिरडी भी हम कर रहे हैं। शिरडी जो है इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट टेम्पल है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा लोग तिरुपति के बाद आते हैं। जितने लोग तिरुपति में आते हैं उससे ज़्यादा लोग, उसके लगभग उतने ही लोग अब शिरडी में आ रहे हैं। एन एवरेज मान के चलिए 1,00,000 लोग रोज़ाना दर्शन करने के निकले वहाँ आते हैं। और शिरडी में इस वक्त करीबन 450 होटल्स हैं, लेकिन हमारा जो हम रिजॉर्ट बना रहे हैं वो सबसे बड़ा रिजॉर्ट बना रहे हैं। 203 कमरे का ये रिजॉर्ट है जो करीबन लगभग 2 से 2.5 साल में बनके तैयार हो जाएगा। तो आज तक का सबसे बड़ा रिजॉर्ट ये बनके तैयार हो। आपने कहा कि जहाँ मंदिर होते हैं, जहाँ पानी होता है, जहाँ पहाड़ होते हैं, ऐसी जगहों को हम चुनते हैं। और शिरडी में क्या लग रहा है आपको, किस तरह का आप जो प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं उसमें किस तरह की फैसिलिटी आप लेकर आने वाले हैं, ये ज़रूर जानना चाहेंगे। बिल्कुल। देखिए, क्या है, शिरडी वाले प्रोजेक्ट में जैसे मैंने बताया कि करीबन 12 एकड़ में मैं ये 203 कमरे का रिजॉर्ट बना रहा हूँ। तो अभी तक क्या है कि पूरे शिरडी के अंदर 450 होटल में इतना बड़ा कोई भी रिजॉर्ट नहीं है। तो हम लोग, एक तो क्या है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर 3 अलग अलग तरह की वैरायटी के रूम्स रहेंगे, जो कि आज तक के सबसे बड़े रूम्स हम लोग लेकर आ रहे हैं। साथ में अभी शिरडी में बहुत ज़्यादा वेडिंग्स होने लगी हैं, तो इसको हम एक वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पे बना रहे हैं, जिसमें आज तक का सबसे बड़ा बैंक्वेट हॉल, सबसे बड़े गार्डन वगैरह लेकर आ रहे हैं, जिससे कि आने वाले वक्त में बड़ी शादियां, बड़े इवेंट होंगे। अनंता की जो स्पेशलिटी है वो उसका स्पा और नेचर थेरेपी का भी रहता है, तो उसके तहत भी हम लोग जो है इसको एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा नेचर थेरेपी सेंटर और स्पा सेंटर भी बना रहे हैं, जिससे कि जो लोग यात्रीगण आते हैं वो थक जाते हैं, तो वो लोग आके वहाँ पे अपना स्पा और नेचर थेरेपी से भी अपने आप को रिजुविनेट कर सकें, रिलैक्स कर सकें। ये जो आप रिसोर्ट वहाँ पर लेकर आ रहे हैं, अनंता शिरडी जो लेकर आ रहे हैं जी, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है या पब्लिक को डायरेक्ट रेंट पर मिलेगा? जी, ये आपने सबसे अच्छा सवाल पूछा मेरे से, क्योंकि अनंता जो फेमस है वो हमारे इस कॉन्सेप्ट के लिए फेमस है, जिसके अंदर हम प्रॉफिट शेयरिंग कॉन्सेप्ट इसके हम कहते हैं। जैसे अभी तक लोग ज़मीन लेते थे या कोई फ्लैट लेते थे, वो इसलिए लेते थे कि उसमें एक अच्छा रेंटल इनकम आएगा। तो अनंता ने एक कॉन्सेप्ट शुरू किया अनंता उदयपुर से 2012 में, जिसके अंदर हम जो अपने रूम बनाते हैं उन रूम्स को हम इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को सेल आउट कर देते हैं, उनके नाम पे रजिस्ट्री हो जाती है, वो मालिक बन जाते हैं और उनसे हम परपेचुअल लीज पे वो लोग वापस लेके जो भी प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट जो होता है अपने रिजॉर्ट का, वो उनके साथ हम शेयर करते हैं। तो इसमें मुख्य 5 फायदे होते हैं अगर जो जनता है, जो पब्लिक है, अगर इस तरह की इन्वेस्टमेंट में हमारे साथ जाते हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो वो एक 5-स्टार फैसिलिटेड रिजॉर्ट के अंदर मालिक बन रहे हैं। दूसरा, वो अनंता जैसी ब्रांड के साथ एक पार्टनर के रूप में आ रहे हैं, क्योंकि हम अपना प्रॉफिट उनके साथ शेयर करते हैं।
तीसरा हम लोग इसके अंदर 21 नाइट हर साल कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं, वो जो कि हमारे किसी भी रिजॉर्ट में जाके वो हर साल यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अप्रिसिएशन होता है, जो कीमत अभी आप एक फ्लैट या ज़मीन के लिए लगाते हैं उतनी ही कीमत में आप एक फाइव स्टार फैसिलिटी रिजॉर्ट में अपना इन्वेस्टमेंट करके हमारे साथ हिस्सेदार बन जाते हैं, पार्टनर बन जाते हैं। और साथ में सबसे बड़ी चीज़ जो इसके अंदर होती है कि कभी भी लाइफ में कोई घर में कोई बड़ा इवेंट है, कोई शादी है या कोई भी फंक्शन आप हमारे रिजॉर्ट में करना चाहते हैं जहां आपने इन्वेस्ट किया या करेंगे, तो उसी रिजॉर्ट के अंदर आपको दो दिन के लिए करीबन 75 रूम एक दिन, 75 रूम अगले दिन, मेरा बैंक्वेट हॉल, गार्डन, स्विमिंग पूल वगैरह ये सब चीज़ें मैं दो दिन के लिए उनको कॉम्प्लीमेंट्री देता हूँ लाइफ में एक बार बेसिकली। तो मोटा मोटी क्या है कि जितने भी आप पैसा मेरे साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं वो 6 से 7 साल में आपका निकल के बाहर आ जाता है और उसके बाद लाइफ टाइम तक आपको ये प्रॉफिट और वेकेशंस और ये सारी सब चीज़ें आपको मिलती रहती है। अच्छा ऑफर है। अगर हम इसको बात करें इन्वेस्टमेंट और आरओआई की अगर हम बात करें जी, तो उसको भी थोड़ा सा बताइए। जी मैं बतलाना चाहूँगा कि अभी तक देखिए जो हमारा अनंता उदयपुर है वहाँ पे करीबन 8 से 10% का रिटर्न लोगों को मिल रहा है। बैंक में अगर आप पैसा डालते हैं तो वहाँ पे आपको 4-6% का ही मिलता है इसके अंदर आरओआई। लेकिन हम लोग जो ये अनंता शिरडी में कर रहे हैं, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आराम से 8 से 10% का लोगों को रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। और रिटर्न के अलावा जैसे मैंने आपको इतने सारे बेनिफिट बताए कि फ्री रूम्स हैं जो हर बार आपको मिलेंगे, सालों साल मिलते रहेंगे, फ्री वेडिंग्स हैं एंड बहुत सारे अनगिनत ऐसे फ़ायदे हैं जो एक इन्वेस्टर को हमारे यहाँ पे मिलते हैं अगर वो हमसे जुड़ते हैं और साल में आराम से 8 से 10% हैसल फ्री इन्वेस्टमेंट करके वो इस रिटर्न को इंजॉय कर सकता है। तो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो क्या एक फ्लैट के आसपास इसमें इन्वेस्टमेंट होगा या ज़्यादा होगा? हाँ जी, लगभग जितने पैसे में आजकल आप 2 BHK का फ्लैट लेते हैं या 100 गज कहीं ज़मीन लेते हैं तो करीबन इतने ही पैसे में हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है और इजी मोड ऑफ पेमेंट है। आराम से 1.5 साल 2 साल में आपको पेमेंट करना है। हमारा अनंता शिरडी प्रोजेक्ट जो है वो रेरा अप्रूव्ड भी है तो इसको कैसे भी हम लोग 2023 से पहले पहले बना के पब्लिक के लिए सर्व करना शुरू कर देंगे। क्या लगता है आज का जो दौर है जिसमें रियल इस्टेट में बूम है बहुत ज़बरदस्त, इस समय की बात करें आफ्टर कोविड अगर हम बात करें तो, और ऐसी स्थिति में क्या ये टेंटेटिव फिगर जो है आपका वो बैलेंस रहेगा, आम आदमी अफोर्ड कर पाएगा इसको? जी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि ऐसे लोग जिनके पास ऑलरेडी कई फ्लैट्स हैं, कई ज़मीनें हैं और हमेशा वो लोग रास्ता ऐसा ढूंढते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करें, तो उन लोगों के लिए ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट करने के लिए जिसमें उनको बिना किसी फ्यूचर में कोई हिडन कॉस्ट के या बिना किसी परेशानी के उनको यहाँ से एक अच्छा रिटर्न उनको मिलने की पूरी पूरी संभावना है और हम दे भी रहे हैं सर लोगों को। अगर हम बात करें जैसे अनंता उदयपुर की बात करें वहाँ पर आपने बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल लगा रखी है जी, जी, बाकी जो भी पैसेंजर्स या जो भी गेस्ट वहाँ आते हैं उनकी व्हीकल्स पार्किंग में होती है, बाकी पूरे कैंपस में बैटरी व्हीकल ऑपरेट होती है, तो क्या इसी तरह का प्लानिंग आगे भी है? बिल्कुल, हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि आने वाले जितने भी रिजॉर्ट्स हम बनाएं वो ग्रीन जोन रिजॉर्ट्स बनाएं जिसके अंदर ज़्यादातर चीज़ें जो हैं बैटरी ऑपरेटेड रहे, सोलर का हम लोग इस्तेमाल करें, वाटर को रिसाइकलिंग करें और वहीं पे ही हम लोग जो है अपना फूड प्रिपरेशन भी रहता है, साथ में हम लोग भी जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें पॉल्यूशन ना हो उस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए एक अच्छा रिजॉर्ट हम लोगों को देना चाहते हैं बेसिकली। तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कही जा सकती है अनंता शिरडी की अगर हम बात करें अनंता ग्रुप की, और जो अनुभव अभी तक मेरा रहा है व्यक्तिगत अनुभव काफ़ी अच्छा अनंता के साथ रहा है। और यहाँ पर इंदौर में प्रमोशन के लिए आए हैं लोग, अपनी अपनी जानकारी इनके साथ शेयर कर सकते हैं, ये आपसे जानकारी भी आगे बताएंगे। बहरहाल मुझे लगता है कि जिस तरह से प्लानिंग ग्रीन जोन की बात हो रही है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, तमाम सारी बातों से सब कुछ तो ठीक ठाक लगता है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, सुनील जोशी को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।